हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन तेंगुरिया एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी विद जतिन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उस हर एक चीज़ की जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जा रहे हैं नोएडा में अपना पीएसबी देने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आप ये देख रहे हो कि मेरे लैपटॉप में पीछे क्या चल रहा है, तो इसमें मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया था पीएसबी कोस्ट गार्ड देने जाने के लिए जब मैं नोएडा गया था अभी। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा एकदम जो वहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी है उस चीज़ का, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा रिसेंटली अभी AFS भी है थ्रू CDS एंट्री, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के चैनल पर डालूंगा, तो यू कैन फॉलो इट, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ। तो अगर आप नोएडा जा रहे हैं तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि आप नोएडा के नहीं रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, तो आपको जो मेट्रो स्टेशन पे वहाँ पर जाना है वो है 62 सेक्टर नोएडा, ठीक है। तो आप उस मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे और वहाँ से आपको भारी रिक्शा मिलेंगे जो आपको 10-15 रुपये में मैक्स टू मैक्स 20 रुपये में आपको कोस्ट गार्ड के सेंटर पर पहुँचाएगा। तो ये आप रिक्शा लेंगे, ई रिक्शा, और आप पहुँच जाएंगे कोस्ट गार्ड के सेंटर पर। अब यहाँ पर आप, मेरा जैसा टाइम था वो 8 बजे था, वहाँ पर 8 बजे का स्लॉट, 10 बजे का स्लॉट, ऐसे डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। तो जैसे मेरा 8 बजे का स्लॉट था, मैं 15 मिनट लेट था, बट अगर आप आधे घंटे 40 मिनट भी लेट होंगे तो भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत वो टाइम कंसिडर कर लेते हैं। अब आप जैसे गेट पर जाएंगे आपको 4 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, एक आपका ID प्रूफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लिखा था, दूसरा है आपका एडमिट कार्ड, तीसरा है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और चौथा है आपका बोनाफाइड, ठीक है, जो बोनाफाइड वहाँ पर थे ना कि कोरोना नहीं है, कफ नहीं है, फलाना फीवर नहीं है, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अंदर एंट्री मिलने के बाद आपका एक और काम होगा, वो क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करेंगे वो आधार कार्ड के साथ, तो आधार कार्ड सॉरी एडमिट कार्ड के साथ, दोनों का स्टेपल कर लिया जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको प्रिंटआउट लेके जाना है वो आपका यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के आप स्टार्टिंग के जो 6 पेजेस हैं उसका अगर लेके चल जाएंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि बाकी सब में तो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके स्टार्टिंग के बस 6 पेजेस का स्टेपल करके लेके चले जाइए और उसमें अपनी फोटो पेस्ट करके लेके जाना। वहाँ पर आपका वो अपने सामने सिग्नेचर कराएंगे और फिर आपको ऊपर भेज दिया जाएगा, ऊपर भेजा जाएगा आपको फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर आपका वो लोग बैग में रखवाएंगे और फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेस आपकी होनी है। आपको ब्रीफ करने के बाद आपको लेके जाया जाएगा OIR के लिए हॉल में। OIR के लिए हॉल में हमें वो लोग लेके गए थे 6th फ्लोर पे, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो हम लोग गए थे 6th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे हमारा OIR स्टार्ट हुआ। अभी हमें चेस्ट नंबर अलोकेट नहीं हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो हाइट वाइज बोलते हैं कि आप हाइट वाइज लग जाइए, तो जैसे ही वो अगर ऊपर आपको लेके जा रहे हैं वो OIR टेस्ट कराने के लिए, तो आप कोशिश करिएगा कि आप लाइन में सबसे ज़्यादा आगे लग जाएं, ठीक है, क्योंकि आप जितने पीछे रहेंगे आप हॉल में उतना पीछे बैठेंगे और वहाँ के जो हॉल है वो एकदम सीधा एकदम प्लेन है, रेदर देन बीइंग इन अ डिक्लाइन जैसा होता है ना कि जिसमें आपको पीछे वालों को भी एकदम क्लियर दिख जाए, तो जो पीछे वाले होते हैं उनको बेसिकली प्रोजेक्टर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप जा रहे हैं तो। अगली बात अपन करते हैं, वहाँ पर हम लोग गए, हमारा OIR टेस्ट स्टार्ट हुआ, मेरे को पीछे वाली सीट्स मिली थी, पर जो पीछे वाले बंदे होते हैं वो आपस में डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करके कर रहे थे, ठीक है। तो हमें उन्होंने एक वार्निंग भी दी कि अगर आपने अगली बार करा तो हम आपको बाहर भगा देंगे, बट स्टिल बॉयज़ आर बॉयज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा OIR स्टार्ट हुआ। OIR का जो पहला सेक्शन था वो था सीरीज़ एंड ब्लड एंड रिलेशन, जिसके 10 क्वेश्चंस थे, फेयरली बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है उसमें, क्योंकि मैं अगर CGL का प्रिपेयर कर रहा था पहले तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा था, मतलब मैं उसको शायद 1/4 टाइम में ही उसे कर ले रहा था, बट हाँ कुछ लोगों को उसको करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, बट एज़ वी वर डूइंग इट टुगेदर तो मैं जैसे ही कर रहा था मैं उसका आंसर बोल दे रहा था और बाकी लोग भी उसे टिक कर ले रहे थे। तो ये था सेक्शन 1, 10 क्वेश्चंस थे इसके, काफ़ी डिसेंट टाइम मिल जाता है अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी बहुत भी ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में वो पूछते हैं आपके सिनोनम्स और एंटोनम्स, ठीक है, अगर इंग्लिश अच्छी है तो आपसे ये बन जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको वोकैब का नॉलेज होना अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ये फैक्टर कर सकता है आपका वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका 3rd सेक्शन आएगा वो आएगा आपका कि वो देखेंगे कि आपकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, तो आपको वो जैसे कुछ शब्द बता देंगे और मेमोरी नहीं सॉरी 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 सॉरी
तीसरा सेक्शन है वो देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपको एक शब्द देंगे और आपको बताना है कि ये कौन सा वाला जो शब्द है इन सब में से, चार शब्दों में से उसकी स्पेलिंग ठीक है, और उसको आपको फटाक से टिक करना है। इसमें समय थोड़ा सा कम कम मिलेगा, तो आपको जल्दी जल्दी टिक करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला सेक्शन आएगा फोर्थ सेक्शन, वो है रोटेशन और इमेज का। तो ये वाला सेक्शन मैं रिलेटिवली फास्ट कर पा रहा था बाकी लोगों के कंपेरिजन में, पर इसको इमेजिन करना थोड़ा सा टफ हो जाता, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप किसी प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि वो जैसे बोलेंगे 160 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन इसकी मिरर इमेज, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उसको अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो वो ईजिली हो पाएगा। फिर उसके बाद होता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में वो आपको एक पर्टिकुलर शब्द बताएंगे, जैसे बोलेंगे KEZD, और फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको चूज करना है कि कौन से शब्द में वो आ रहा है, ठीक है। या फिर बहुत सारे शब्द दे देंगे 7, 8, 9, 6, और फिर वही शब्द को आपको ऑप्शन में से फाइंड करना है कि हाँ यही वाला है, और उसको टिक कर लेना है। इनमें आपको समय बहुत कम मिलेगा, तो इनको आपको फटाफट करना पड़ेगा। एक ट्रिक आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि उनको बस एक हल्का सा डॉट लगा दीजिए वहाँ पर, और जैसे ही आपको बीच कभी कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएँ, तो उनको आप सर्कल्स को उस समय डार्कन कर लीजिए। दो हमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का समय दिया गया था उस सर्कल को फिल करने के लिए, बट जैसे गोवा वगैरह थे वहाँ पर मेरे दोस्त लोग गए थे, उनको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, और उनके 20 के 20 क्वेश्चन OIR के छूट गए थे। फिर ये मेमोरी टेस्ट आपका होगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक तुक्के मारने वाले क्वेश्चन, जिसमें सब लोग तुक्के मारते हैं। वो ये होगा कि बोलेंगे कि एक आपको शब्द दे देंगे, बोलेंगे एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक में से ई से अब बोलेंगे कि ई टेकिंग ई एज अ फर्स्ट वर्ड, ऐसे कितने सारे शब्द बनेंगे एनर्जेटिक से जो बस 2 लीटर के हों, ठीक है, या फिर 3 लीटर के हों। तो इसमें से आपको तुक्के मारने पड़ेंगे, 8 शब्द बनेंगे, 2 शब्द बनेंगे, 3 शब्द बनेंगे। मोस्टली लोग इसमें तुक्के मारते हैं, क्योंकि इतने जल्दी इतने कम टाइम में इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। और ये करने के बाद आपका 7 सेक्शन आएगा। अभी तक सारे सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन है, जो 7 सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे अकरेंस की बात करी जाएगी, जैसे एक बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कितनी बार यू आया है, कितनी बार वी आया है, कितनी बार एक्स आया है, और आपको ये मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका OIR हो जाएगा। इस तरीके से हमारा OIR हुआ था, पर हमारे में OIR में किसी को भी बाहर नहीं करा, क्योंकि इस बार सब लोग पेपर देके गए थे, तो नोएडा में तो किसी को OIR में बाहर नहीं करा गया, बट गोवा में लोगों को OIR टेस्ट में बाहर कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद द PPDT नाउ, अब हमें चेस्ट नंबर एलोकेट कर दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर एलोकेट करने के बाद हमें PPDT हॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर चेस्ट नंबर वाइज 15-15 लोगों का ग्रुप बनाया गया, और मेरी 15 नंबर चेस्ट था, तो मेरे को 3rd सीट मिली थी आगे से, तो फेयरली जो मेरे को प्रोजेक्टर था वो क्लियरली दिख रहा था, जो इमेज भी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, ठीक है। जो हमारी इमेज थी वो ये थी कि 3 लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं, एक लड़की है जो जो अपना कुछ स्पीच टाइप की दे रही है, और बाकी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोगों ने डिबेट वाली स्टोरी बनाई, मैंने एनुअल फंक्शन टाइप की एक स्टोरी बनाई, और इस और कुछ लोगों ने अलग अलग स्टोरी बनाई। उसके बाद फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन में 15 लोगों को एक बार में बुलाया गया, ठीक है, और हमारी ग्रुप की स्टोरी वो डिबेट रिलेटेड कि डिबेट हो रहा है, ये हमारी ग्रुप की कॉमर्स स्टोरी बनी। इसमें से फिर हमारे 15 लोगों में से 3 लोगों को स्क्रीन इन करा उन लोगों ने, और बाकी लोगों को बोला कि आप जा सकते हैं, और उन लोगों का बाकी डॉक्यूमेंटेशन करके उनको भी आधे घंटे के अंदर भेज दिया गया, और इस तरीके से हमें 1:30 बजे तक उन लोगों ने फी कर दिया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैंने जितना ज़्यादा मैं इसको शॉर्ट रख सकता था मैंने इतना ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जतिन दंगुरिया, पीस आउट।